अक्सर हम लोग बाल लंबे करने की जब भी सोचते हैं तो एक दो महीने बाद हमारे बाल गंदे दिखने लगते हैं, और जब हम उन्हें मैनेज नहीं कर पाते तो हम अपने बाल कटवा लेते हैं और वहीं हमारी हेयर ग्रोथ की जर्नी रुक जाती है। तो आज हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जिन्होंने हेयर ग्रोथ जर्नी पे मेरी हेल्प करी है, और वो डेफिनेटली आप लोगों की हेल्प भी ज़रूर करेंगी। वीडियो चालू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसके पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा पहला पॉइंट है, एक्सेप्ट दैट इट विल टेक टाइम। मैं आपको कोई भी ऐसी चीज़ बताने से पहले जो आपको बाहर से अच्छा दिखने में हेल्प करे, मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि हाँ, मुझे एक प्रोसेस में बाल बड़े करने के लिए वक्त लगेगा। अगर आप अपने बाल बढ़ाने की शुरुआत कर रहे हो या अभी उस फेज़ में हो तो आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी कि हेयर ग्रोथ में आपको टाइम लगेगा। बाल बढ़ाने का एक नेचुरल प्रोसेस है, और अगर आपने इस प्रोसेस से भागने की बजाय इस प्रोसेस को एंजॉय करना शुरू कर दिया तो ये आपकी पूरी जर्नी को आसान कर देगा। और वैसे भी आप बाल बढ़ा के कौन सा उड़ने लगोगे। सेकेंड टिप जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि मेक यूज़ ऑफ हैट्स। अगर आप कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलते और अगर आप एक नॉर्मल सिटीज़न अगर आपको कैप पहनने की आदत नहीं है तो आपको ये आदत डाल लेनी चाहिए। शुरुआत में आपको थोड़ा बहुत वक्त लगेगा, पर जब आप इसके यूज़ टू हो जाओगे ना तभी आपको बहुत हेल्प करेगी। स्पेशली उन दिनों पे जब आप कॉलेज के लिए लेट हो रहे हो या ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो या फिर आपके बालों को स्टाइल करने का आपका बिल्कुल भी मन नहीं है। बहुत डिफरेंट तरीके की कैप्स होती है, हर कैप आपको एक डिफरेंट लुक देती है। तो जाओ मतलब इस वीडियो के बाद और जाके ट्राई करो डिफरेंट कैप्स और देखो कि आपके ऊपर कौन सी कैप ज़्यादा सूट करती है। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जो है मेक यूज़ ऑफ बॉबी और हेयर पिंस। ये एक तरीके की छोटी पिंस होती हैं जो आपको उन बालों को बांधने में हेल्प करती है जो आपके फेस शेप से बाहर निकल रहे होते हैं। ये पिंस आपके तब काम आती हैं जब आपके साइड के बाल थोड़े से लंबे हो गए हों और आपको उनको मैनेज करने में दिक्कत आ रही हो। अगर आपको लगता है कि दूसरे लोग आपके बालों में पिंस देख के आपका मजाक उड़ाएंगे तो इसमें आपके लिए बेटर यही होगा कि आप उस कलर की पिंस पहने जो आपके बालों से मैच करती हो। बोलने को तो मैं वैसे ब्लैक पिंस भी बोल सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी कुछ टिकटॉकर्स बचे हैं इस देश में। मैं खुद पहले साइड फेड हेयर कट रखता था, पर पिछले एक साल से जब से मैंने अपने बाल बढ़ाने शुरू करे हैं इन पिंस ने मेरी बहुत हेल्प करी है। शुरुआत में इसकी आदत डालने में थोड़ा वक्त लगेगा, पर जब आपको इसकी आदत डल जाएगी तभी आपको ऑकवर्ड स्टेजेस में प्रेजेंटेबल दिखाने में बहुत हेल्प करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जो है जस्ट स्टॉप काउंटिंग डेज। हेयर ग्रोथ जर्नी में से बहुत दिन आएंगे जब आप अपने बालों को देखोगे और आपको लगेगा नहीं कि आपके बाल बढ़ रहे हैं और आप थोड़े बहुत गंदे भी दिखना चालू हो जाओगे। पर उस जर्नी में जब आप गंदे दिखना चालू हो जाओगे तब आपका एकदम से बाल कटवाने का मन करेगा, इसलिए बेटर यही है कि आप दिनों को गिनना छोड़ दें। एक चीज़ जो आपको इस प्रॉब्लम में हेल्प कर सकती है वो ये कि आपने जब भी अपना लास्ट हेयर कट लिया हो उस वक्त की एक फ़ोटो को आप रेफरेंस पॉइंट के लिए रख लें, और जब भी आपका एकदम ऐसे बाल कटवाने का मन करे तो आपको उस फोटो को देख लेना चाहिए, और उस फोटो को देख के आपको रियलाइज़ होगा कि आप अपनी हेयर ग्रोथ जर्नी पे कितना आगे आ गए हो। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, हैव अ गोल। मेरी जर्नी के स्टार्टिंग में जब मेरे पास खुद के पास कोई आइडिया नहीं था कि मेरे को कितने बाल लंबे करने हैं, तब मुझे ये चीज़ बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगती थी कि मेरे बाल बड़े तो होते जा रहे हैं पर मेरे दिमाग में कोई गोल नहीं है कि मेरे को कितने बाल लंबे करने हैं। 6 महीने बाद जब मेरे बाल लंबे हो गए और मुझे पता चल गया कि मेरे बाल किस टाइप के हैं, तो उसके बाद मैंने रिसर्च करी और अब मेरे पास एक फाइनल गोल है कि मुझे अपनी हेयर ग्रोथ की जर्नी को कहाँ तक ले जाना है। ऑनेस्टली जब आपके दिमाग में एक पिक्चर होती है कि आपको अपने बाल कितने लंबे करने हैं, तब आपकी हेयर ग्रोथ जर्नी बहुत आसान हो जाती है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और आपका कोई भी ऐसा दोस्त जो अपने बाल लंबे करने की सोच रहा है उसके साथ शेयर कर देना।